गुड मॉर्निंग एवरी वन सो नाओ आर रिविज़न ऑफ सैम्पल पेपर्स इज गोइंग ऑन ओके सैम्पल पेपर की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सैम्पल पेपर का रिविज़न चल रहा है और ये आपका सैम्पल पेपर जो है वो थर्टीन है इलेवन और ट्वेल्व सैम्पल पेपर हम फिनिश कर चुके हैं इफ़ यू हैव नॉट रिवाइज इट देन यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोज ऑफ द रिविजन ऑफ दीज सैंपल पेपर्स अब हम क्वेश्चन पेपर नंबर थर्टीन से रिवाइज़ करेंगे और उसमें जैसा आप अभी तक करते आए हैं कि आपको सेलेक्ट कर लेने हैं क्वेश्चंस जो कि फिजिक्स के हैं बिकॉज़ ऑलवेज दिस पेपर्स विल बी द मिक्सड पेपर्स तो आपको उनके अकॉर्डिंग जो है वो रिवाइज करना है तो टेक केयर ऑफ दिस थिंग अब जैसे मैं यहाँ आ रही हूँ सेक्शन ए पर और आई होप कि आपको जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो रूल्स हैं हाउ टू सॉल्व दिस वो आपको ऑलरेडी पता है तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए जो है आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर टू जो है दैट इज ऑफ फिजिक्स तो आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपवर्ड्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ इन विच डायरेक्शन विल द पार्टिकल बी डिफ्लेक्टेड तो यहाँ क्या अप्लाई हो रहा है यहाँ अप्लाई हो रहा है आपका फ्लैमिंगस लेफ्ट हैंड रूल तो चार्ज कौन सा है पॉजिटिव क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज की ही डायरेक्शन हमेशा कैरी करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है अपवर्ड्स मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड किधर है नॉर्थ में है तो अगर आप नॉर्थ को यहाँ सपोज करते हैं कि नॉर्थ जो है वो राइट right साइड में है ठीक है तो आपको फ्लैमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करना है तो आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से सेट करेंगे कि जो फोर फिंगर है वो नॉर्थ मतलब आप राइट right साइड में ले लीजिएगा और पॉजिटिव चार्ज जो चल रहा है उसके जो डायरेक्शन मोशन की है वो अपवर्ड्स है तो वो आप वो सी डायरेक्शन लेंगे जो आप वेलोसिटी मीन्स करंट की डायरेक्शन लेते हैं ठीक है तो करंट वाली यानी कि मिडिल फिंगर को ऊपर करिए तो आपका जो थंब है वो क्या शो करेगा डिफ्लेक्शन ऑफ द पार्टिकल मतलब फोर्स की डायरेक्शन तो उस कंडीशन आप में आपके जो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन आएगी वो इनवर्ड्स आएगी ठीक है तो हम यहाँ पे इसको प्रॉपरली लिख सकते हैं कि हमने किस किस डायरेक्शन में लिया क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पर फिक्स नहीं है कि किस साइड ली जा सकती है कहीं भी नॉर्थ ले सकते हैं तो अगर आप नॉर्थ जो है नो क्योंकि अपवर्ड्स वैसे हम नॉर्थ को शो करते हैं और साउथ को डाउनवर्ड्स करते हैं लेकिन एक्सेस चार्ट के हिसाब से यहाँ पर अपवर्ड्स एक ऑलरेडी एक चीज़ दे रखी है तो आप नॉर्थ को राइट में ले सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन या रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका फिफ्थ है उसमें लिखा है डायमंड is a poor conductor of electricity while graphite is a good conductor assign reason question easy hai aapko pata bhi hai electricity chapter se aaya hai ye question ki diamond jo hota hai wo poor conductor of electricity hai graphite good conductor to kabhi bhi कोई भी material poor conductor अगर आपको बताना है तो आप ये बताएंगे because it has no free electrons. और अगर आपको गुड कंडक्टर बताना है तो इट हैज़ मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो जिसके पास जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा असाइन रीज़न का मतलब बस आपको उसका रीजन बताना है सिक्स क्वेश्चन भी आपका फिजिक्स का है वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्ड तो कॉन्वेक्स मिरर के जो केसेस हैं वो ऑलरेडी आपको पता है कि इफ़ दिस इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर और उसके सामने आप ऑब्जेक्ट को रखें तो बस दो ही पॉसिबल केसेस हैं एक केस ये होता है कि ऑब्जेक्ट्स पे जो रेज आ रही हैं दोज़ आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनी जो मिरर पर रेज आ रही हैं दोज़ आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनी तो इन्फिनी से आने वाली रेज़ की इमेज बनती है फोकस पर और जो जब ऑब्जेक्ट रखा होता है इन्फिनी और पोल के बीच में कहीं पर भी तब उसकी जो इमेज बनती है वो बनती है नियर पोल यहीं पर इमेज बनेगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सपोज दैट ऑब्जेक्ट को तो यहाँ रखा है तो ये जो है दो रेज हैं सबसे पहली वाली रे ये यहाँ डाइवर्ज हो जाती है इस तरह और दूसरी वाली रे अगर आप ऐसे लेते हैं तो वो भी इधर डाइवर्ज हो जाती है तो कहाँ पर इमेज बन रही है तो पोल के आसपास ही बन रही है क्योंकि ये पोजीशन जो है ये पोल की है और आप बता सकते हैं बिहाइंड द मिरर क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल होगी तो इमेज कहाँ बनेगी यहाँ वियर पूछा है तो आप बोलेंगे बिहाइंड द मिरर नियर पोल और और इसका क्वेश्चन है इज़ रेनबो सीन इन द स्काई ड्यूरिंग रेनी सीजन तो इसमें आप बता सकते हैं कि बिकॉज टू सी द रेनबो देर शुड बी द प्रजेंस ऑफ सनलाइट एंड रेन ड्रॉप्स बोथ दैट्स वाई या फिर आप ये बता बता सकते हैं कि उसके लिए जो है वो तीन फिना रिस्पॉन्सिबल हैं जो मैंने आपको बताए थे कि टी आई आर डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन इसलिए भी ऐसा होता है फिर कमिंग टू द नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन के बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर लुक लुकियर इस वाले पेज में हम आते हैं तो आपको मिलेगा फिजिक्स का क्वेश्चन टेन इसमें लिखा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस इफ़ टू बल्ब्स हैव रेटिंग्स ऑफ फोर्टी वॉट टू ट्वेंटी वोल्ट ट्वेंटी वाट वन टेन वोल्ट तो दो रेटिंग्स दे रखी हैं ठीक है थीकिया? इन रेटिंग्स से आपको क्या फाइंड करना है रेजिस्टेंसिस का रेशियो तो आपको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन पी तो अगर आप पहले से फाइंड करते हैं तो वी स्क्वायर मीन्स टू ट्वेंटी इंटू टू ट्वेंटी अपॉन आपका हो जाएगा पी पी कितना है फोर्टी तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी दिस और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ हो जाता है ये टू टू ज फोर हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका एलेवन टू से और इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया आपका वन वन टेन तो ये आपका वन हंड्रेड टेन इंटू इलेवन यानी कि आपका बनेगा यहाँ लिख दे रही हूँ मैं इसको वन हंड्रेड वन टू वन जीरो ओके तो इतना आपका जो है वो इसमें आ रहा है और अगर हम दूसरे वाले से फाइंड करते हैं तो उसमें आ रहा है आपका आ, रेटिंग दे रखी है ट्वेंटी वॉट वन टेन तो उसमें भी आर का फॉर्मुला भी अपॉन पी लगाना है तो वन हंड्रेड टेन इंटू वन हंड्रेड टेन अपॉन पावर कितनी दे रखी है पावर है आपकी ट्वेंटी वाट तो इसको जब सॉल्व करेंगे ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा और ये जो है आपका ये हो जाएगा फिफ्टी फाइव अब यहाँ पर फिर से आप सॉल्व कर सकते हैं तो 11 फाइव सा फिफ्टी फाइव फाइव कैरी होगा 11 फाइव सा फिफ्टी फाइव और प्लस फाइव यानी कि सिक्सटी तो इन दोनों को अब आपको क्या करना है रेशियो तो इसको अब जब आप रेशियो फाइंड करेंगे अब आपको यहाँ इसको डिवाइड कर लेना है जो भी आंसर आ रहा है अपॉन में दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस ओके फिर देखते हैं आगे इसमें क्वेश्चन हम हाँ इसी का और क्वेश्चन है वॉट डज द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर वाई डज द कनेक्टिंग कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज तो आपको पता है कि कनेक्टिंग कॉर्ड किससे बनी होती है कॉपर से और हीटर का जो एलिमेंट है वो नाइक्रोम का होता है तो कनेक्टिंग कॉर्ड ग्लो नहीं करती है जबकि जो एलिमेंट है वो ग्लो करता है तो रीज़न क्या होगा रीज़न इसका ये है कि जो एलिमेंट है वो ऐसे मटेरियल से बना है जिस मटेरियल का रेजिस्टेंस हाई है तो रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से वो ग्लो करता है और जो कॉपर है जो कनेक्टिंग कॉर्ड है वो कॉपर से बनी है तो कॉपर का रेजिस्टेंस हाई नहीं होता है क्योंकि उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होती है इसीलिए वो ग्लो नहीं करता ओके okay? तो आई होप कि आपके जो है वो यहाँ तक सारे के सारे ऑनलाइन आंसर क्वेश्चंस हो चुके हैं और उसके बाद आएंगे आपके एजर्शन रीज़न टाइप ओके सो लेट्स सी अब आते हैं हम एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन पर तो फोर्टीन वाला जो है आपका वो फिजिक्स का नहीं है तो लेट्स सी फिफ्टीन एंड सिक्सटीन को एक बार देखते हैं तो फिफ्टीन क्वेश्चन जो है सॉरी सिक्सटीन जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका फिजिक्स का टू एन एस्ट्रोनॉट स्काई अपीयर्स डार्क तो ये जो स्टेटमेंट है जो एजर्शन है दैट इज़ एब्सल्यूटली करेक्ट बिल्कुल सही है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स जो देखते हैं स्पेस से स्काई को वो डार्क दिखाई देता है ब्लैक कलर का रीज़न उसका लिखा है स्केटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वेव लेंथ ऑफ लाइट ये भी बिल्कुल सही है कि स्केटरिंग जो है वो कैसी होगी कौन सा कलर स्केटर होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि वेव लेंथ ऑफ लाइट क्या है और दूसरा इस पर भी डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ द पार्टिकल क्या है तो ये सही भी है और रिलेटेड भी है एक दूसरे से तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है ओके फिर आपको मिलेंगे इसके बाद में पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन तो पैराग्राफ बेस्ड जो है वो सेवनटीन से स्टार्ट हो रहा है सेवनटीन वाला जो क्वेश्चन है आपका दैट इज़ नॉट ऑफ फिज़िक्स आगे बढ़कर देखते हैं तो आपका ये मिलेगा आपको जो एटीन क्वेश्चन है दैट इज ऑफ दैट इज़ आल्सो नॉट ऑफ फिज़िक्स फिर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आई होप मुझे लगता है इस पर कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें आपका कोई भी प्यारा जो है वो फिज़िक्स का नहीं है क्योंकि सेवनटीन जो पैरा था वो भी नहीं था और इसके बाद आपका एट्टीन जो क्वेश्चन है वो भी नहीं है और जो नाइनटीन है दैट इज़ ऑल्सो नॉट ऑफ फिजिक्स ठीक है तो इसमें एक हाँ ट्वेंटी क्वेश्चन और दे रखा है यस yes, हो सकता है वो चॉइस में हो तो देखिए ट्वेंटी वाला जो प्यारा है वो आपका फिजिक्स का है रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी फोर क्वेश्चन तो इसमें एक सर्किट डायग्राम बना रखा है ये है अ स्टूडेंट अरेंज थ्री रजिस्टर्स टू एमीटर्स तो ये थ्री रजिस्टर्स इसने लगाए हैं ए टू ओम एटोम, एटोम पैरल में है फोर ओम अलग लगा है दो एमीटर्स लगाए हैं उसने और एक बैटरी है एक बैटरी है एक क्लग की है और पूरा अरेंजमेंट ऐसे दे रखा है अब इसमें पहला क्वेश्चन है द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ टू एटोम रेजिस्टर्स कॉम्बिनेशन इज तो दो एटोम के अगर रेजिस्टर लगे हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बहुत इजी क्वेश्चन है आपको पता है कि जब दो एक जैसे रेजिस्टर होते हैं और वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं तो हमेशा उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो उनका हाफ हो जाता है तो दो एटोम दो एटोम है तो कितना हो जाएगा फोर ओम ऑप्शन सी आपका करेक्ट है फिर नेक्स्ट में आते हैं फोर स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द गिवन रेजिस्टर्स वन एंड आर टू विच ओ ओम्स लॉ एंड प्लॉटेड द आई ग्राफ तो दो स्टूडेंट्स ने क्या किया है परफॉर्म किया है एक एक्सपेरिमेंट सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर दो रेजिस्टर्स ले रखे हैं जो दोनों ही ओम्स लॉ को ओबे करते हैं तो क्वेश्चन इसके बाद में आएगा पहले यहाँ पे यह डायग्राम दे रखा है तो ये डाय ये फोर ग्राफ्स दे रखे हैं सबसे पहले इसमें ये ए वाला ग्राफ है पैरेलल सीरीज दूसरा ग्राफ है और तीनों में डिफरेंस है थोड़ा सा एक में पैरेलल ऊपर है सीरीज नीचे है फिर एक में सीरीज ऊपर है पैरेलल नीचे है लिखा है विच ऑफ द ग्राफ इज करेक्टली लेबल्ड इन टर्म्स ऑफ सीरीज एंड पैरेलल तो देखिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि एक कंडीशन रखी है यहाँ पर कि दोनों ही ऐसे रजिस्टर थे जो ओम्स लॉ को ओबे करते थे ओके तो जब उनको जब वो ऑलरेडी ओम्स लॉ को ओबे कर रहे हैं तो चाहे उनको सीरीज में लगाया जाए या उनको पैरेलल में लगाया जाए वो उस कंडीशन में भी ओम्स लॉ को ओबे ही करेंगे ओके तो इसके लिए आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो रॉन्ग है अब बचते हैं आपके ए और सी ऑप्शन तो पैरेलल और सीरीज दोनों के फॉर्मूले आपको पता है और ये भी पता है कि जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है इनक्रीज और पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा अब ये देखिए ए वाले में लिखा है ऊपर पैरेलल नीचे सीरीज लेकिन ये जो एक्सेस है ये वाली ये एक्सेस है करंट की तो इसका मतलब अगर दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगा और जब नेट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो नेट करंट क्या होगी घटेगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो यानी कि सीरीज़ वाले कॉम्बिनेशन में करंट कम होगी पैरेलल वाले में ज़्यादा होगी तो इसमें पैरेलल ऊपर है यानी कि उसमें करंट ज़्यादा है सीरीज़ नीचे है करंट कम है तो ये ऑप्शन ए जो है यही सेटिस्फाई कर रहा है नीचे वाला जो ऑप्शन सी है दैट इज़ रॉन्ग क्योंकि उसमें सीरीज़ में, में करंट ज़्यादा दिखा रखी है तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पर ए तो उसमें ऑप्शन ग्राफ ए होगा ये वाला थर्ड क्वेश्चन है द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज अवेलेबल इन द स्कूल लेबोरेटरी तो बैटरी दे रखी है 4.5 वोल्ट रे दे रखा है वोल्टेज फ्रॉम जीरो टू तो 4.5 वोल्ट रेजिस्टर्स हैं वन और टू ओम के एमीटर्स हैं ए वन जिसकी रेंज जीरो टू तो वन एम्पियर है लीस काउंट भी दे रखा है ए टू है उसकी भी रेंज और लीस काउंट है वोल्ट मीटर्स में भी यही दे रखा है द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर फॉर फाइंडिंग द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू गिवेन रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज वुड बी तो यहाँ पर आपको बताना है इसका आंसर कि बेस्ट जो कॉम्बिनेशन है वो कौन सा होगा तो इसमें देखिए इसमें ऑप्शन जो है आपका ए मीटर जो है आपका सेकेंड वाला जो है ए टू और वोल्ट मीटर जो आपका फर्स्ट वाला है वी वन वो फिट आ रहे हैं क्योंकि जो आपके रजिस्टर्स हैं वो वन और टू ओम के हैं ओके okay? बैटरी आपकी फोर पॉइंट फाइव वोल्ट की है तो आप एक काम कर सकते हैं जब बैटरी दे रखी है रजिस्टर दे रखा है तो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि इसमें करंट कितनी जा रही है तो वोल्ट के अकॉर्डिंग वोल्टेज तो क्लियर दे रखा है फोर वोल्ट ओके okay? तो फोर वोल्ट के हिसाब से जो वोल्ट मीटर है आपका वो मैक्सिमम फाइव वोल्ट तक का चाहिए आपको तो इसलिए वी वन बेस्ट है लेकिन करंट के लिए आपको मीटर के लिए करंट पता करनी पड़ेगी तो एक बार आप यहाँ से करंट फाइंड करेंगे वी अपॉन आर तो करंट जो है उसके लिए एमीटर ए टू जो है जो जिसकी रेंज थ्री एमपियर है दैट इज करेक्ट ओके फिर आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे तो फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर कि टू फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ

जो टर्मिनल्स लगे हैं वोल्ट मीटर के और एमीटर के तो उसको एक बार चेक करिए तो हमेशा एमीटर जो है उसका प्लस टर्मिनल प्लस के साथ में कनेक्टेड होता है और सेम ही वोल्ट मीटर के साथ में भी होता है लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर जो है वो अलग से लगा रखा है दैट इज़ नॉट सो क्लियर क्योंकि वोल्ट मीटर अगर यहाँ लगा होता है तो इट इट शुड बी क्लियर एमीटर वाला जो है वो सीरीज़ में तो लगा है लेकिन उसका जो टर्मिनल्स हैं वो रॉन्गली कनेक्टेड हैं यहाँ का डी ऑप्शन होगा वैसे यहाँ वोल्ट मीटर के भी टर्मिनल सही नहीं लगे हैं उसके बाद आता है आपका ट्वेंटी डिफरेंस इन एमीटर रीडिंग में क्या डिफरेंस डिफरेंस होगा द इन रीडिंग्स तो वो आपका मेन डायग्राम से होगा उसको आपको चेक कर लेना है मेन डायग्राम इज ऑल्सो ड्रॉन देयर आपका ये सेक्शन जो ए है दैट इज कम्प्लीटेड सेक्शन बी से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से